नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ABPS क्लासेस पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं और प्रमोशन को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर बताने वाले हैं। जी हाँ, जितनी भी उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी हैं, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमोशन और परीक्षाओं से संबंधित बड़ी खबर आप लोग के बीच में ले आया हूँ। बिल्कुल आपके जो भी इन्फॉर्मेशन होगी लाइव प्रूफ दिखाई जाएगी, और जो स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी ने परीक्षा तिथि डिक्लेयर कर दी है, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, उनके लिए भी गुड न्यूज़ है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली है। प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं से या प्रमोशन को लेकर कोई भी बड़ी खबर मिले तो आपको इस चैनल से अपडेट करा सके। दोस्तों, जिस खबर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे हेडलाइन पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रोफेसर तनेजा की अध्यक्षता में होगा परीक्षाओं पर फैसला। जी हाँ, जो आपके चौधरी चरण सिंह के विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उत्तर प्रदेश द्वारा, कि आप लोगों की परीक्षाएं होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर या प्रमोशन मिलेगा तो इन्हीं के आधार पर, ये जो अध्यक्ष हैं इन्हीं के आधार पर फैसला होगा। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, क्योंकि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाओं पर कुलपति जी की 4 सदस्यीय समिति निर्णय लेगी। समिति ने 3 दिन में अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेगी। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बता देगी, कुलपति की 4 सदस्यीय समिति का निर्णय लेगी और ये 3 दिन में अपनी जो रिपोर्ट होगी, 3 दिन के अंदर, ज्यादा समय नहीं लगाएगी, और आपको 3 दिन के अंदर सरकार को ये नोटिस या रिपोर्ट दे देगी। और ही बात कर लेते हैं शासन, इसके बाद जब समिति की सिफारिशों और उनके अनुरूप जो उन्होंने लिखा है उसी के आधार पर शासन अंतिम निर्णय लेगा। आपको बता दें कि शासन ने शुक्रवार को 4 सदस्यीय समिति गठित करते हुए उक्त आदेश जारी कर दिए थे। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अनिकेत तनेजा की अध्यक्षता में बनी इसकी सहमत से आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल जी, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता जी और अवध विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित बतौर सदस्य रहेंगे। वहीं विशेष सचिव मनोज कुमार के अनुसार समिति 3 दिन में विचार विमर्श कर अपनी रिपोर्ट दे देगी। तो यानी कि यहाँ पर देखिए कि जो अवध यूनिवर्सिटी के कुलपति जी हैं मनोज कुमार जी, उन्होंने कहा है कि हमारी जो रिपोर्ट यानी टीम जो बनी हुई है, पूरे 3 दिन के अंदर आपको सरकार को फाइनल रिपोर्ट दे देगी 3 दिन के बाद। दोस्तों, अब हम लोग गुड न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं, जो आपके लिए आना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि पिछले माह उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हुई वेबिनार में कुलपति प्रोफेसर एनके तनेजा जी ने उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की मौजूदगी में UGC की गाइडलाइंस के अनुसार छात्रों को प्रमोट करने की बात रखी थी। तो दोस्तों, ये बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, ये ऑलरेडी जो प्रोफेसर तनेजा जी हैं, वो लगातार आपको पहले ही 1 महीने पहले ही दिनेश शर्मा जी वेबिनार में सम्मिलित हुए थे। तो उन्होंने बात रखी थी कि बिना परीक्षाओं के कोरोना वायरस के चलते बच्चों को पास किया जाए, अगले कक्षा में प्रमोट कर दिए जाए। दोस्तों, ये 1 महीने के पहले थे, लेकिन दोस्तों हालात अब उससे भी बदतर हो गए हैं, कोरोना के केस काफ़ी आ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों के लिए 95% चांस बहुत ही बढ़ जाते हैं, 5% आप लोग बात कर सकती है कि कोई बात नहीं हुई, लेकिन आप लोग 95% हो जाइए कि कोरोना के केस काफ़ी है, इतनी तेज बढ़ रही है, प्लस पॉइंट आपके लिए। वहीं आपके लिए दूसरी जो प्लस पॉइंट है, वो आप बता दें कि जो प्रोफेसर एनके तनेजा जी हैं, वो आपकी 4 सदस्यीय कमेटी की जो परीक्षाएँ होंगी या नहीं होंगी उसके आपके अध्यक्ष, यानी उन्होंने पहले ही मांग की थी कि छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए, अब तो और उनकी मांगें प्रबल होनी चाहिए, और आपको हो सकता है नहीं, आप लोग को 95% मान चलिए कि आप लोगों को प्रमोशन मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के लिए भी क्या मन में डाउट है या क्या प्रकार के आपके क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप परीक्षाएं चाहते हैं या प्रमोशन चाहते हैं, प्लीज़ अपनी कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट या पूरे भारत की यूनिवर्सिटी की अपडेट आए तो मैं आपको अपडेट करा सकूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका